हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बर्नआउट। तो आज हम बात करने वाले हैं 2019 मॉडल का ब्रेजा ZDI ऑटोमेटिक डीजल का रिव्यू। तो वीडियो शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। तो अब हम इसकी लुक पे आते हैं। लुक पे आप इसको देख सकते हैं, कॉम्पैक्ट SUV टाइप है ये, जैसे क्रेटा इको स्पोर्ट और किया इन सब के कंपैरिजन में आती है। अगर आप इसकी ग्रिल देखेंगे तो ग्रिल पे इसमें क्रोम फिनिशिंग दी गई है, सुजुकी की काफ़ी बड़ी बैजिंग दी गई है। साथ में अगर मैं इसकी लाइट्स की बात करूँ तो लाइट्स पर आपको दिख रहा होगा कि हमें एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, साथ में हमें LED लाइटिंग मिलती है L शेप्ड में। और थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएं तो हमें उसमें इंडिकेटर मिलते हैं, नीचे फॉग लैंप्स। इस मॉडल में हमें हैलोजन मिलते हैं, हमें LED नहीं मिलती, बट यहाँ पे हमें LED मिलती है और बैक में भी L शेप्ड में ही मिलती है। इंजन बे आप देख सकते हैं, ओपन इंजन है, सुजुकी की बैजिंग के साथ DDI S, जैसे मैंने आपको बताया डीजल वर्जन है ये। और हमें इसमें 1300 cc का इंजन मिलता है। आप देख सकते हैं इंसुलेशन भी प्रॉपरली फिटेड है, इसमें हमें हाइड्रोलिक्स नहीं मिलते सुजुकी की। इनफैक्ट किसी भी कार में हमें इसमें हाइड्रोलिक्स नहीं मिलते। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 3995 mm, और अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 200 mm है। और साथ में आपको डोर्स पे हल्की सी क्रोम फिनिशिंग दिख रही होगी, ये एक्सेसरीज का पार्ट है जिसकी लुक इन्हांस करता है। साथ में हमें इसमें DDI S की बैजिंग मिलती है, जैसे इसमें डीजल वर्जन है। क्योंकि अगर इसके हम टायर्स की बात करें तो टायर्स हमें इसमें MRF के मिलते हैं, और जो टायर साइज है ये 16 इंचेस के हैं और 215/60 R16 है। और आप देख सकते हैं हमें इसमें ब्लैक कलर के मिलते हैं, ये कंपनी फिटेड ही है। हमें इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। तो अब हम आते हैं इसकी बैक प्रोफाइल पे। बैक प्रोफाइल पे आप लाइटिंग देखें तो यहाँ पे हमें सेम L शेप्ड में हमें LED मिलती है। और अगर हम ऊपर से शुरू करें, हल्का सा ऊपर हमें ये स्पॉइलर है, ये हर कार में होता ही है इनकी, मतलब ब्रेजा में इनफैक्ट। और आप यहाँ देखेंगे तो हमें ब्रेक लाइट मिलती है, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, सुजुकी की बैजिंग, विटारा ब्रेजा की बैजिंग। और हल्का सा नीचे अगर आप जाएं तो इसमें आपको दिखेगा इसमें हमें रियर सेंसर्स मिलते हैं, बट हमें इसमें पार्किंग कैमरा नहीं मिलता। चाबी भी हमें इसमें रिमोट वाली, मतलब लॉक अनलॉक के लिए मिलती है, बूट ओपन के लिए नहीं मिलती। अभी जैसे मैंने दो बार करा तो अभी जैसे मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे सेंसर है, आप उसको प्रेस करके कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसकी बूट स्पेस है वो 328 लीटर्स की बूट स्पेस है। साथ ही साथ हमें इसमें स्पेयर व्हील मिलता है जो अलॉय नहीं है। इनफैक्ट हमें इसमें साइड में दो स्पेस अलग से भी मिलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एड किट होती है और यहाँ पे पार्शियल ट्रे है जो रिमूवेबल है। और अब हम चलते हैं इसके रियर कंफर्ट पे। तो अगर हम इसके रियर कंफर्ट पे बात करें तो आप वहाँ पे डोर्स देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, पियानो ब्लैक फिनिशिंग में। साथ में हमें इसमें आप देख सकते हैं 1 बॉटल होल्डर भी मिलता है जो आराम से 1 लीटर की बॉटल आ जाती है। और अगर मैं अंदर इंटीरियर की बात करूँ तो यहाँ पर मैगजीन होल्डर मिलता है हमें ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड बैक सीट्स पे। साथ में हमें इसमें आर्मरेस्ट भी मिलता है विथ 2 कप होल्डर्स। हमें हेडरेस्ट मिलते हैं एडजस्टेबल, और यहाँ पे हमें एक हुक मिलता है, जैसे आप कह सकते हैं कोट के लिए या किसी चीज़ के लिए, जो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इस पर लिखा है इसका मैक्स वेट 3 kg का है। और लेग रूम आप देख सकते हैं, लेग रूम डिसेंट है, ज़्यादा मतलब कंफर्ट नहीं है एज सच, बट आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर मेरी हाइट 6 feet है तो अंडर थाइज सपोर्ट भी थोड़ा कम है। और हेडरूम आप देख सकते हैं, हेडरूम डिसेंट है 6 feet के, मतलब मेरी हाइट के हिसाब से। और अब आप आएंगे तो अब हम आगे चलते हैं कि आपको फ्रंट का बताते हैं। तो अब हम जैसे अंदर बैठ चुके हैं, इसके फ्रंट सीट्स पे आप देख सकते हैं इसका स्टेयरिंग पे ये जो लेदर कवर है ये अलग से, मतलब एक्सेसरीज का पार्ट है, इस मॉडल में नहीं आता। और यहाँ पे स्टेयरिंग कंट्रोल्स आते हैं, हमें इसमें कॉल डिक्लाइन कॉल एक्सेप्ट का आता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें इसमें बटन्स के हिसाब से ही चलता है पूरा,
और इसकी साउंड अच्छी है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ है। यहाँ पे भी जो इसके एसी वेंट्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम के आसपास जो ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, साथ में हमें इसमें एसी वेंट्स पे भी मिलती है पियानो ब्लैक फिनिशिंग, आप देख सकते हैं। और हमें इसमें दो स्टोरेज स्पेसेस मिलती हैं, एक ऊपर की साइड है और एक यहाँ नीचे की साइड है। टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे चिलर वाला मिलता है, बट इस मॉडल में नहीं मिलेगा। और अगर आप इसकी बात करें तो ये ऑटोमेटिक है हमारे पास, ZDI ऑटोमेटिक, जैसे मैंने आपको बताया 5 स्पीड। और इसमें आर्मरेस्ट की भी हमें स्पेस मिलती है जो डिसेंट है, और ये एडजस्टेबल है आगे और पीछे की साइड। तो अब हम चलते हैं इसकी ड्राइव पे। ड्राइव पे चलने से पहले अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आएंगे तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक चीज़ है जो मुझे काफ़ी पसंद थी कि इसमें जो लाइट्स है आप इसको लाइट्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी वाइट हुई, अब ऑरेंज, अब येलो, अब ब्लू, अब रेड, ये 5 लाइट्स हमें इसके अंदर मिलती हैं जो क्रेटा में और आप कह सकते हैं इको स्पोर्ट में हमें नहीं मिलती, ना किया में मिलती है ये, बट उन्हें अलग काफ़ी चीज़ें मिलती हैं जो इसमें नहीं मिलती। तो अब हम इसकी ड्राइव पे चलते हैं। ये रियर व्यू मिरर हमें मैनुअल कंट्रोल मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता। यहाँ पे हमें सनशेड होल्डर है, यहाँ पे हमें इसमें येलो लाइट्स ही मिलती हैं। और साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इसमें वैनिटी मिरर मिलता है विद येलो लाइट अगेन, बट ये हमें मैनुअली कंट्रोल करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक नहीं है। तो अब हम आज चलते हैं इसकी ड्राइव पे। अगर आप इसकी एवरेज की बात करें जो कंपनी क्लेम करती है हाईवे पे, ये 24 KMPL की करती है, और जो सिटी में क्लेम करते हैं सिटी में ये क्लेम करती है 21 KMPL की। साथ ही साथ अगर आप इसमें एक चीज़ है जो मुझे नहीं पसंद, मतलब इसमें एक चीज़ उनको देनी चाहिए थी सॉरी, तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल का फीचर नहीं है, बल्कि अगर आप मैनुअल ब्रेजर लेंगे, अगर डीजल लेते हैं सेकेंड हैंड मार्केट के हिसाब से, तो उसमें आपको मिलेगा, बट इसमें नहीं मिलता ऑटोमेटिक में। ये मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई। और इसका ड्राइविंग प्लेजर अच्छा है क्योंकि मतलब मैंने भी इसको थोड़ा चलाया हुआ है इस वजह से, बट इसके जो गियर शिफ्टिंग्स हैं फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड, वो हल्का सा जर्क आपको हो सकता है फील हो, क्योंकि अपनी अपनी ड्राइविंग के हिसाब से भी है ये चीज़, बट समा मुझे ये फील होता है कभी कभार, बट कभी कभार नहीं भी होता। और इसकी हैंडलिंग अच्छी है, अप्रॉक्स 100 की लिमिट तक, 120 तक भी अच्छी है, बट उसके आगे मैं रेकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी चलाने के लिए। और जो इसकी 0 to 100 है वो 11 सेकंड्स में पहुंच जाती है ये, और फ्रंट व्हील ड्राइव है ये। साथ ही साथ मैंने आपको जैसे बताया ऑटोमेटिक के साथ, तो 5 स्पीड गियर बॉक्स है इसमें, और जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है 200 NM की है। कम्फर्ट इसमें आप देख सकते हैं, जो सीट्स हैं वो भी उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, 6 वे एडजस्टेबल है, बट मैनुअली ऑटोमेटिक नहीं है। टर्निंग रेडियस है वो 5.8 है mm का, और अगर मैं बोलूँ जो इसमें अगर जैसे गड्ढे में जाती है कुछ है तो वो थोड़ा फील होता है एज़ कम्पेयर्ड, मतलब अगर मैं बात करूँ क्रेटा के हिसाब से, क्योंकि क्रेटा तो एक बेसिकली मतलब इंडिया में हर कोई लेता ही है, ब्रेजा भी इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी एवरेज ज़्यादा है और सुजुकी है, ट्रस्ट है सबको। सर्विस कॉस्ट भी इसकी मेरे को लगता नहीं कि मेरे को बतानी चाहिए, क्योंकि एज ऑब्वियसली सबको पता ही है सुजुकी की क्या सर्विस कॉस्ट है। और अब ये जैसे इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी है ये कार, अब ये पेट्रोल में आती है और इसकी उन्होंने लाइट्स चेंज करी, अंदर का इंटीरियर अभी भी इन्होंने यही सेम रखा है, और जो इनका ऑटोमेटिक वर्जन है पेट्रोल का वो 4 स्पीड है, और बल्कि डीजल में ये 5 स्पीड था, बट उसमें इंजन उन्होंने अच्छा डाला है, 1500 cc डाला है जो पहले आता था 1200 cc का, इसलिए उन्होंने वो उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट करी है जितना मुझे लग रहा है। साथ ही साथ इसकी ड्राइविंग प्लेजर अच्छा है, और जर्क्स और वो सब में मेरे को लगता है अच्छे से निकालती है कार, इतना कोई ज़्यादा है नहीं मतलब फ़र्क आपको लगेगा अगर आप इसको हाई स्पीड्स पे चलाएं भले क्रेटा को या किसी को। हाँ क्रेटा थोड़ी स्मूथ होगी, बट ये भी अपनी जगह उस हिसाब से सही करती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।